नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये जो तीन लाइट होता है, ये तीन लाइट बिल्कुल जल चुका है। इस पे दो लाइट तो ये जलेगा, पर ये जो एलम की लाइट होता है ये कभी भी नहीं जलेगा। जब रेफ्रिजरेटर फ्रीजर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, इसमें कूलिंग लेस हो जाएगा, बिल्कुल कूलिंग नहीं करेगा, फ्रीजर के टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, तो ये एलम की लाइट ये जल चुकेगा। तो दोस्तों देखिए, इस फ्रीजर में एलार्म की लाइट जल चुका है। और देखिए, रेफ्रिजरेटर के जो एम्पियर है, एम्पियर बिल्कुल नहीं ले रहा है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर बंद हो चुका है। रेफ्रिजरेटर के अंदर लाइन है, पर रेफ्रिजरेटर चल नहीं रहा है। तो दोस्तों देखिए, जब मैं ऊपर के टॉप उठाता हूँ, खोल रहा हूँ, तो देखिए जो ग्लास है, ग्लास में जो फ्रीजिंग होना था वो बिल्कुल नहीं है। वेपोरेशन के जो बूंद बूंद पानी जमा है, सिर्फ वही आपको नज़र आ रहा है। और देखिए, साथ में जो इसमें सामान रखा गया है, जो इसमें फूड है, मिल्क है, और सारे भी जो सामग्री है वो बिल्कुल भी फ्रीजिंग नहीं है। साथ में देखिए, जो आइस केस होता है, आइस केस के जो पानी था, जो आइस था, वो भी मेल्ट हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, ये जो फ्रीजर है, इस फ्रीजर में बिल्कुल ठंड नहीं है। तो दोस्तों, ये ठंड ना होने के क्या वजह है, और जो एलम की लाइट होता है, एलम की लाइट ये क्यों जल चुका है? एलम की लाइट जलने का एक ही मकसद होता है कि जो फ्रीजर है, फ्रीजर में कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आ गया है, और जो फ्रीजर के टेम्परेचर है, फ्रीजर के जो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये जो एलम की लाइट होता है, ये खुद ही खुद जल जाता है, और जो इसका कूलिंग की जो प्रोसीड्यूर होता है वो स्टॉप कर देता है। तो सर देखिए, इसे चेक करने के लिए मैं कंप्रेसर के पास आ चुका हूँ, और जो कंप्रेसर की जो कवर है, कवर में खोल चुका हूँ। तो अभी मैं इसे कंप्रेसर को स्टार्ट करूँगा, फ्रीजर में लाइन दूँगा। तो देखिए, लाइन देने के बाद इसमें 6 पास करके जो एम्पियर है फ्रीजर के कंप्रेसर, वो एम्पियर ले रहा है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, हाई एम्पियर ले रहा है। तो इस समय तो देखिए दोस्तों, इसी कारण जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर कूलिंग नहीं कर रहा है, और ये फ्रीजिंग में नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें दिक्कत क्या है, इसे जानने के लिए पूरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और जो एलम की लाइट ये जल जाता है, एलम की लाइट ग्लो होता है, इसका सोल्यूशन आप अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपके घरों में हायर के फ्रिज है, और किसी भी कंपनी का फ्रिज है जिसमें एलम की लाइट दिया गया है, अगर इस तरह के कुछ फ्रिज है, तो आप इसमें से काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो इसे चेक करने के लिए, जब ये कंप्रेसर हाई एम पे ले रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसके जो कंपोनेंट होता है, जो कंप्रेसर के साथ रिले ओवरलोड दिया जाता है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, और साथ में जो कंप्रेसर की वाइंडिंग है, वाइंडिंग भी चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने यह पूरा प्रोसीड्यूर, जो पूरा प्रक्रिया है, उसे मैं करके दिखाऊंगा। पहले तो चेक करना है कंप्रेसर चेक करने के लिए जो मेरे पास मीटर है, इस मीटर को ओम्स पोजीशन पे कर लेना है, और साथ में जो आपको ये बजर पॉइंट है, आप इसमें भी सेट करेंगे। तो दोस्तों, सेट करने के बाद एक एक करके जो तीन टर्मिनल होता है, कम, रनिंग, स्टार्टिंग, इसे आपको बारीकी से आइडेंटिफाई करना है, एक एक करके इसे घुमा फिरा के इसमें चेक करना है कि ये तीनों जो टर्मिनल होता है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, इन तीनों टर्मिनल पे ओम्स दिख रहा है कि नहीं। अगर किसी भी वजह से ये जो तीन टर्मिनल होता है, तीन टर्मिनल में से एक टर्मिनल पे अगर ओम्स दिखने को नहीं मिलता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग में खराबी आ चुका है, वेल्डिंग भी जल चुका है, या फिर किसी भी कारण ये वेल्डिंग कट चुका है। तो दोस्तों, पहले उसे चेक करना है। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी इसे एक एक करके चेक करूँगा। तो दोस्तों, आप देखिए, मेरे मीटर में बजर के साउंड और साथ में ओम्स आपको देखने को मिल रहा है, तो उसे घुमा के मैं चेक करूँगा। तो दोस्तों देखिए, जो तीन पॉइंट है, उसे घुमा के चेक करूँगा एक एक करके। तो दोस्तों देखिए, फिर भी आपको ऐसे ओम्स नज़र देखने को मिलता है, और साथ में बजर के साउंड आपको सुनने को मिल चुका है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर बिल्कुल सही है। तो जो दोस्तों, जो इसका वाइंडिंग है, वाइंडिंग में कुछ गड़बड़ी नहीं है। दोस्तों, कंप्रेसर में दो साइड होता है, एक होता है मैकेनिकल साइड और एक होता है इलेक्ट्रिक साइड। तो दोस्तों, अभी जो कंप्रेसर मैंने चेक किया, इसके जो इलेक्ट्रिकल साइड है वो भी सही है, मैकेनिकल साइड अभी मैंने चेक नहीं किया। तो मैकेनिकल साइड चेक करने के लिए कंप्रेसर को चलाना पड़ेगा। तो उसे देखिए, जो इसका रिले ओवरलोड है, ये भी चेक करूँगा। तो अभी ये ओवरलोड मैं चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ओवरलोड है, मुझे सही बता रहा है, इसका साथ में ओम्स बन चुका है, तो ये बिल्कुल सही है। और जो इसका रिले है, रिले भी चेक करना पड़ेगा। रिले चेक करने के लिए दोस्तों देखिए, ये जो दो सुराग है, दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट में जो मीटर है, मीटर के जो प्रोब है, प्रोब को इंसर्ट करना है, तो आपको इसमें ओम्स देखने को मिलेगा। अगर ये सही होता है, तो आपको बजर भी
सुनने को मिलेगा। तो सर देखिए इसमें बजर भी सुनने को नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ इसमें ओम से दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिले है, रिले बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसी वजह से कंप्रेशर हाई एम पे ले रहा है और कंप्रेशर बंद हो चुका है, कूलिंग नहीं कर रहा है। इसीलिए जो अलार्म का लाइट है, अलार्म का लाइट बिल्कुल जल चुका है। तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि जो अलार्म का लाइट जल रहा है, कंप्रेशर क्योंकि कूलिंग नहीं कर रहा, साथ में जो कंपोनेंट दिया गया है ये भी ख़राब है। तो दोस्तों देखिए ये जो ब्लू वायर है ये होता है न्यूट्रल, और साथ में और दो वायर है ये होता है कैपेसिटर का वायर। तो सर देखिए मेरे पास ये 4 पिन वाला रिले है, इस रिले को मैं रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस करके इसे चलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये अभी रिले ख़राब है। तो इस रिले को रिप्लेस करके कंप्रेशर को स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा इसे पूरा आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों मैंने अभी लगा लिया, लगा लेने के बाद मैं अभी इसे चालू करूँगा। तो उसे देखिए फिर भी मैंने रिप्लेस करने के बाद जो एम्पियर है, एम्पियर भी 5-6 करके ले रहा है, पर एक जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर बिल्कुल स्टार्ट नहीं ले रहा है, और इसका जो एम्पियर है, एम्पियर पहले जैसा है। तो दोस्तों देखिए अभी जो एम्पियर है, एम्पियर बंद हो चुका है, और साथ में जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर साथ में जो रिले है, ओवरलोड है, ये ओवरलोड भी ट्रिप कर गया है। तो दोस्तों देखिए इसे पता चलता है कि ये जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और जो इलेक्ट्रिक साइड है वो ठीक है, साथ में जो कंप्रेशर के मैकेनिकल साइड है, मैकेनिकल साइड बिल्कुल लॉक्ड हो चुका है, इसीलिए कंप्रेशर नहीं चल रहा है। तो इसे कंप्रेशर को रिप्लेस करने से रेफ्रिजरेटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।